हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा टेस्टी वर्ल्ड। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के फेवरेट और हम सब के फेवरेट चॉकलेट वेपर्स रोल। और इसे हम तवे पर बनाएंगे, 5 मिनट में फटाफट ये बन जाते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले मैदा 1 कप लिया है और उसमें मैंने कोको पाउडर 1 स्पून ऐड किया है। बेकिंग पाउडर हमें ऐड करना है 1 स्पून एंड 1 पिंच सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे। 1/2 कप हमें शुगर पाउडर ऐड करनी है। इसी कप से मैंने मैदा भी लिया था और इसे अच्छी तरह से हम छान के लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 स्पून ऑयल और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आज हम बहुत ही इजी मेथड से बनाने वाले हैं, बिना अंडा, बिना ओवन और बिना कुकर के हम इसे फटाफट से पैन पर बनाने वाले हैं। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करना है और इसकी पेस्ट बनानी है। देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मिल्क इसमें ऐड करिए ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसे हमें बहुत लूज़ भी नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना। जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से 1/2 कप मिल्क यहाँ इनफ है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून चॉकलेट एसेंस और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। देन हमें पहले पैन को गरम करना है और फिर हम पैन को नीचे उतारेंगे। तो पैन ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। 1 स्पून हम बैटर लेंगे, 1 स्पून बैटर इनफ है इसके लिए। और अच्छी तरह से इसे राउंड में फैलाएंगे। बिल्कुल पतला हमें इसे रखना है, बहुत ही पतला, जितना हो सके उतना पतला रखना है। और फिर हम स्लो फ्लेम पे इसे इस तवे को गैस पर रखेंगे और ये साइड ड्राई होने के बाद हम दूसरी साइड पलटेंगे और उसे भी अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे करीब 1 मिनट तक। और देन हम इसे फटाफट से निकालेंगे और इसका स्टिक के सहायता से हम इसका रोल बनाएंगे। आप किसी भी तरह की स्टिकियाँ ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से, हमारे घर में थी तो ये मैंने ली है। और अच्छी तरह से हमें घुमाते हुए इसका रोल बनाना है। और एक मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो 1 स्पून बैटर लिया है। पहले मैंने तवे को गरम किया है थोड़ा सा और फिर तवा हम मैंने गैस से उतारा है और उतार के मैंने इसे नीचे ही इस बैटर को फैलाया है। और देन मैंने गैस पे तवे को रखा है स्लो फ्लेम पे और दोनों साइड ड्राई होने के बाद मैंने ये निकाला है और इसी तरीके से फटाफट से रोल बनाया है। हमें बहुत ही जल्दी फटाफट से रोल बनाना है, नहीं तो ये टूटता है, रोल नहीं बन पाता। तो इसीलिए यह हमें ध्यान रखना है। देखिए, इसी तरीके से मैं सारे रोल्स फटाफट से बना लेती हूँ और ये बहुत ही स्पीड से बनता है। इसमें बहुत सारी मेहनत नहीं है, फटाफट से बन जाता है। और इस चॉकलेट पेपर्स को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने ली है एक कढ़ाई और इसे मैंने प्रीहीट किया है। और देन हम इसमें जो चॉकलेट पेपर्स बनाए वो रखेंगे और 10 मिनट्स के लिए हम इसे ढक के रखेंगे। 10 मिनट्स बेक करने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आपको लगा 10 मिनट्स के बाद भी ये क्रिस्पी नहीं हुए तो आप और 10 मिनट्स इसे गैस पे रखिए, उसके बाद ये बन जाएंगे। और ठंडे होने के बाद चॉकलेट हमें इसमें भरना है। मैंने डार्क चॉकलेट मेल्ट करके लिया है और मैं इसमें डार्क चॉकलेट भर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया इसकी टेस्ट है, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। देखिए, और ये ठंडे होने के बाद आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं जार में भर के। बेकरी स्टाइल होममेड चॉकलेट वेपर्स बनके रेडी है। आप भी बनाकर जरूर देखिए। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा टेस्टी वर्ल्ड।